सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आशीष सैनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 सितंबर और अभी टाइम हो चुके हैं भाई सुबह के बजने वाले हैं इस टाइम पे 4:30। मैं रेडी हो चुका हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे 4:30 बजे उठ के क्या कर रहा है। तो फाइनली आज निकल रहे हैं कानपुर के लिए और चलते हैं मैडम के पास, क्योंकि परसों हमारी ट्रेन है। परसों क्या, कल रात की हमारी ट्रेन है खाटू श्याम जी के लिए। तो कानपुर सेंट्रल से रिंगस तक की हमारी ट्रेन है। तो यहाँ से निकल रहे हैं पहले आज कानपुर, बाकी अपनी तैयारियाँ पैकिंग वगैरह कंप्लीट करते हैं और कल चलते हैं खाटू श्याम जी दर्शन के लिए। तो पूरी सीरीज में बने रहिएगा भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ का ब्लॉग शूट कर पाऊँगा कहाँ का नहीं, लेकिन ये है आप लोगों को एंटरटेन ज़रूर करते रहेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आज भी बने रहिए। और रोज़ी का एक गिफ्ट है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा क्लिप में। वो क्लिप मैंने कल ही शूट कर ली थी, लेकिन मैं दिखवाता हूँ आज आपको फटाफट से। पहले अभी निकलते हैं, 4:30 बज चुके हैं। अभी अभिषेक को जगाते हैं, भाई चल करके छोड़ो ज़रा, क्योंकि रात के टाइम पे ऑटो वगैरह मिलने का बहुत इशू है। मेट्रो स्टार्ट होगी 6 बजे, तो इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 5:30 की अपनी ट्रेन है। चलिए मिलते हैं कुछ देर में। तो गाइस अभी 4 बाग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, अपनी ट्रेन आने वाली है गोमती एक्सप्रेस। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा बेकार ट्रेन है लॉन्ग रूट के लिए, बट कानपुर तक अगर आपको जाना है तो उसके लिए ये एक अच्छी ट्रेन मान सकते हैं आप, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे के अंदर का सफ़र है और 2 घंटे तक का सफ़र ये टाइमली तय कर लेती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इसमें भाई। तो प्लेटफॉर्म पे अभी अपनी गाड़ी लगी नहीं है और जनरली इतने टाइम तक आ जाती है गोमती एक्सप्रेस पर। यही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 इधर, पर इस टाइम अभी गाड़ी यहाँ नहीं लगी है। एक बार भाई मैं चेक कर लेता हूँ टिकट पे कि इसी प्लेटफॉर्म पे लग रही है कि कहीं और लग रही है। तो गाइज ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ पे अभी अपनी ट्रेन लगने वाली है। भैया ये केले वाले अंकल जी बता रहे हैं कि लगने का कोई टाइम नहीं है, जाने का टाइम है 6:45 का। गाइस अभी सीट मिल चुकी है अपनी और आज विंडो सीट है अपनी, लेकिन आपातकालीन वाली खिड़की है यहाँ पे देखिए। तो इसमें से कानपुर पहुँचते ही डायरेक्ट हम लोग यहाँ से उतर जाएंगे। आपातकालीन विंडो का अपना अलग मजा होता है। ये एक भाई बगल में बैठा हुआ चार्जर आ रहा है। कानपुर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और स्टेशन का रास्ता भाई इतना कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से जो पहले जैसा लुक हुआ करता था वो कुछ भी नहीं रह गया है। ये अगल बगल सब चीज़ कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में आ गई है। तो किस तरफ से रास्ता है सिटी वाला ये पहचान पाना कभी कभी बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो ये आज भी हो रहा था, लास्ट टाइम आए थे तब भी हुआ था, बट थोड़ा सा मैं अलर्ट था इसी चीज़ से तो आधे रास्ते से ही वापस आ गए वहाँ से। फिलहाल अब निकल रहे हैं घर के लिए। सो गाइज अभी घर पहुँच चुके हैं और मंदिर वाली गली में हैं अभी इस टाइम पे हम।
तो चलिए चलते हैं, मैडम को सरप्राइज देते हैं इस टाइम, क्योंकि उनको मैंने अभी तक कंफ्यूज कर रखा था कि दो या तीन फाइनली घर पहुंच चुके हैं। सो गाइस, इनकी तबीयत अभी थोड़ी सी नासाज है, सर्दी जुकाम और खांसी हो रखी है। हाथों में से इन्होंने मेहंदी लगा रखी है, क्यों किसने लगाई है? और ये हमारी राम दुलारी भी इधर आ गई हैं, बैक साइड पे आ जाओ राम दुलारी, है ना? तो गाइस ये है हमारी राम दुलारी और इधर हमारी सखी झूला झूल रही है, और बिटे वो भी है नहीं, बिटे वो भी स्कूल गई है ना, आज इन लोग ने छुट्टी मार दी अपनी, भाई तबीयत इन लोग की ठीक नहीं है। सो गाइस फाइनली मैडम आ चुकी हैं नाव आ करके, अब इनको टाइम मिला है अभी। और रोजी जो तुम्हारा गिफ्ट था वो आ चुका है तुम्हारी भाभी के पास, तो ओपन करने से पहले भाई अब आप, मैं इसीलिए मैंने दिखा दिया है कैमरे में, तो भाभी तुम्हारा गिफ्ट ओपन करने जा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल करिए, आपकी दुबली पतली नंद ने भेजा है। इस लड़की की पैकिंग जो है बहुत टिपिकल टाइप की होती, इतनी ज़्यादा टफ पैकिंग होती कि खोलते खोलते आदमी जो है थक जाएगा। अब तक हम अपनी चाय पी लेते हैं। पर सही सलामत रह पाना बहुत मुश्किल है, अभी भी पैक है। पहले इधर ये जो लिखा है ऐसे दिखाते हैं गाइस, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। सो ये नाम देखिए इनका क्या लिखा है इन्होंने, माय गार्जियन एंजल पतंजलि। तो ये बहुत सारा मैटर है, खैर ये पढ़ लेंगी बाद में। और इनकी भाभी अभी ओपन करी, इसमें बहुत सारा कंटेंट अभी होगा, सभी सब आराम से पढ़ना इकट्ठा। हैप्पी राखी भाभी। सो इस पिटारे में एक राखी भी निकली है इनकी भाभी की, और अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है। सो ये है कुछ इनका, हाँ आप बताओ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है इन्हें। थैंक यू। सो गाइस ये पूरा सेटअप भेजा था रोजी ने, और अब फ्रंट कैमरे में लेते हैं इनकी भाभी को। सो अब बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सारा सारा का सारा आइटम पीछे रखा हुआ है, अभी भाभी देखेंगी इत्मीनान से किस चीज को पढ़ेंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा मैटर ऐसा लिखा है भाई जो पढ़ने वाला था, जो लिखने वाला था भाई। इतना रोजी के पास इतना माइंड, बेटा अब तुम थोड़ा सा अपना पढ़ाई में पहली चीज को लगाओ, ठीक है? हनु और मीठी जो है हेलो गाइस कर रहे हैं। तो रोजी स्पेशली बात करें तुम्हारी, ठीक है, थोड़ा ध्यान अब अपने ऊपर दीजिए आप। ये सब हो गया, रक्षाबंधन हो गया, पहली राखी हो गई, भाभी के साथ भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब ध्यान देना है पढ़ाई पे, बोल दो भाई इनको। सही बात है, नीट कर रही बेटा, बहुत मेहनत की जरूरत है। सो गाइज ये वो गिफ्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, तो स्पेशली ये रक्षाबंधन पे मुझे मेरी बहुत प्यारी सी बहन ने दिया है, दुबली पतली सी मोटी सी। तो ये गिफ्ट मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ, मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, आप देखिएगा बहुत यूनिक चीज है क्या ये मुझे भी नहीं पता है, देते टाइम ही उसने बोला है कि भैया इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए लेट्स सी। सो गाइज ये है इनका स्पेशल गिफ्ट, तो मेरे चैनल का नाम इसने प्रिंट करवा रखा है विद यूट्यूब लोगो। वैसे मैंने इस गिफ्ट की उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन ये
ये और ये वो लोग दिए हैं जो वीडियो रेगुलर नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गिफ्ट ऐसे इंसान ने दिया है जो वीडियो रेगुलर देखता ही नहीं है, लेकिन चैनल के लिए इतना डेडिकेशन, आई अप्रिशिएट कि इतना यूनिक माइंड लगा करके आशीष सैनी ब्लॉग्स विद यूट्यूब लोगो। अब मैं आपको इसको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, प्लग इन करके। ये इसका एडॉप्टर रखा हुआ है यहाँ पे, तो दिखाते हैं अभी कैसा लुक आएगा। मुझे इसके लिए लाइट ऑफ भी करनी पड़ेगी रूम की, तो चलिए फटाफट से सेटअप करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। सो गाइज, ये है कुछ ऐसा इसका लुक। और लिटरली थैंक यू सो मच बेटा, बहुत ज्यादा प्यारा है ये। तो इसको मैं आपको जब मेंशन हो जाएगा ये हमारा वॉल पर माउंट करने के बाद में, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का लुक आ रहा है, क्योंकि अभी मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी वॉल पे इसको लगाया जाए। सो गाइज, अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 7 बजने वाले हैं, और आज 2 सितंबर है, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा था। इंडिया की कंडीशन फिलहाल जिस तरीके की शुरुआत रही है बहुत ज़्यादा बेकार रही है, तो मैच देखने का तो फिलहाल बिल्कुल भी मूड अभी रह नहीं गया। ब्लॉग को आज करते हैं यहीं पर एंड, और कल से स्टार्ट होगा खाटू के लिए ब्लॉग। तो कल भाभी का बर्थडे भी है, शालू भाभी का, अभी देखते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा कुछ पॉसिबल होगा, क्योंकि कल ही सारी तैयारियां भी हैं, पैकिंग वगैरह सब कुछ अभी कंप्लीट करना है रात में ही। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, ब्लॉग को करते हैं आज यहीं पर एंड। होप्स आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो भाई। पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हो, एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि व्यूज़ आते हैं इतने और लाइक आते हैं गिने चुने, तो अच्छा नहीं लगता है। कम से कम हमें भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो और ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ 1-2 सेकंड का काम है लाइक करना। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।